यह है हमारा शब्द अलंकार का चौथा भेद, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या है, वक्र प्लस उक्ति, वक्र प्लस उक्ति, वक्र धन उक्ति, यानी कि जहां टेढ़ा कथन हो। वक्र धन उक्ति यानी कि जहां पर टेढ़ा कथन हो वो होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। जहां वक्ता के द्वारा बोले गए, यानी कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वक्ता मीन्स बोलने वाला, उसके द्वारा जो कथन कहे जा रहे हैं, उनको सुनने वाला जो श्रोता है वो उनका अर्थ कुछ और निकाल ले, यानी कि उसका अर्थ कुछ और समझ ले किसी शब्द का, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके जो वक्रोक्ति अलंकार के जो भेद हैं वो इसमें दो भेद दिए गए हैं, जैसे पहला है काक वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। इसका एक उदाहरण हमने लिया है, कौन तुम। इसमें क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार में दो श्रोताओं के बीच, दो मतलब एक सुनने वाला है और एक बोलने वाला है, यानी कि एक वक्ता है और एक श्रोता है, उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो उसमें जो बोलने वाला है, वक्ता द्वारा जब कोई कथन कहा गया और उसका श्रोता यानी कि सुनने वाले ने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया, तो वहां पे क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि इसमें क्या है, वक्र प्लस उक्ति यानी कि टेढ़े कथन कहे गए हैं। जैसे कि कौन तुम, ये जो लाइन है, कौन तुम, मैं घनश्याम, घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए, हूं तो बरसों कित जाए, यानी कि ये जो संवाद हो रहा है ये राधा कृष्ण के बीच में किया गया संवाद है, जिसमें कि राधा जी पूछ रही हैं कौन तुम, यानी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जब ये संवाद है उस वक्त का जब कृष्ण जी चले गए थे राजा जी को छोड़ के और वो अकेली थी, तो उस समय पे जब कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने पूछा, राधा ने, कौन तुम, यानी तुम कौन हो। मैं घनश्याम, तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं घनश्याम। तो ये जो घनश्याम है इसका अर्थ राधा ने लिया बादल से, राधा ने इसका अर्थ क्या समझा है, बादल, यानी कि कृष्ण के द्वारा, कृष्ण यहाँ क्या है, वक्ता है, बोलने वाला है, लेकिन जो श्रोता है राधा, उसके द्वारा घनश्याम का मतलब क्या सुना गया है, बादल, घनश्याम मतलब बादल। तो वह बोलती है हाँ, यानी कि हम तो बरसों कित जाए, यानी कि अगर तुम बादल हो तो कहीं जाके बरसो। इस तरह से वक्रोक्ति अलंकार अच्छे से आपको समझ में आया होगा।